नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज आपको इनमें क्या करना है कि प्रश्न देखने हैं, चार ऑप्शन हैं और क्या उत्तर है वो देखना है। कक्षा 10 चैप्टर नंबर बुक है ना, देखते हैं। तो आपको खुद पढ़ना है, अगर कहीं पर कुछ प्रश्न में या हो सकता है इसमें हो कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपको स्वयं सुधार देना है। आपको प्रश्न पढ़ना भी है, प्रश्न पढ़ना है आपको है ना, जिसके कारण आपको आपकी वाचन क्षमता भी अच्छी होती जाए। तो आपको प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ना है, लेकिन उत्तर प्रश्न लिखना है और उत्तर सिर्फ एक जो आता है वही लिखना है, ठीक है। तो आप अपने आप प्रयत्न करना, गलत हो जाए चिंता मत करना, लेकिन एक बार प्रश्न पढ़ो, उत्तर कंप्लीट करो, जो उत्तर गलत पढ़ते हैं वो फिर से लिखना है बराबर, पर लिखिए, जो गलत हुआ वो दो बार लिख देना है ना, चिंता नहीं, तो आप अपना काम करते रहना। चलिए तो मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ, आप भी घर में पढ़ना हो सके तो है ना। फोन किस तरह से पढ़ते हैं आप, मेरी तरह से और मुझसे भी बेहतर आप पढ़ पाओगे है ना, तो पढ़ना तो ज़रूर है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कवि के अनुसार सांप कैसे सुंदर दिखता है? ए फन उठाया हुआ सांप, रेंगता हुआ सांप, काटता हुआ सांप या लड़ता हुआ सांप। तो कवि के अनुसार कैसा सांप सुंदर दिखता है? तो आपके ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। मैं सीधा चला जाता हूँ, मुझे पता ही है कि कौन सा उत्तर है, लेकिन मैं उत्तर बताऊँगा नहीं है ना। और काव्य की पंक्तियाँ भी आपको याद हो तो हो सकता है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, कवि को कैसा चीता सुंदर लगता है ना, कवि को कैसा चीता सुंदर लगता है? दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ, शिकार करता हुआ, कूदता हुआ या छलांग लगाते हुआ है ना। छलांग लगाते हुआ, यहाँ लगता हुआ शब्द है वो गलत है, छलांग लगाते हुआ है ना, ऐसा लिखना है, छलांग लगाता हुआ। ये चार ऑप्शन हुए, तो कौन सा अच्छा लगता है आप देखना है ना। आपको हो सकता है कि शिकार करता हुआ, लेकिन शिकार करने से पहले उसकी मनोदशा कैसी होती है, वो शिकार पर किस तरह से शिकार करने के लिए तैयार होता है, उसकी बात है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, उत्तर पता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर उत्तर बताता नहीं हूँ है ना। तो आपको स्वयं लिखना है और फिर आपको मुझे मैसेज करना है कि सर इनमें से मेरे इतने प्रश्न सही हुए और ये प्रश्न नहीं हुए, पर मैंने सभी का प्रयत्न किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न, कवि को बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती दिखती है? कवि को बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती दिखती है? जब वह दूसरी बकरी से लड़ती है तब, जब चलती है तब, जब वह कांटों से नन्ही पत्तियां खाती है तब, जब बोलती है तब। अब बताओ कब सुंदर लगी कवि को है ना, ऐसा। तो आपको याद रखना है क्या हो सकता है। अब कवि को बाज कब सुंदर लगने लगता है? जब वह शिकार करता है तब, जब वह उड़ता है तब, जब वह दूसरे पक्षी से लड़ता है तब, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तब है ना, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तब। अब यहाँ देखना है कि कौन सा उत्तर आता है। अगर इसमें ये शब्द दिया होता कि जब वो शिकार पर झड़पता है तब, तो उत्तर वही आता क्योंकि पुस्तक में वो दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, मेरे ख्याल से जब भी भूख से लड़ने के लिए कोई खड़ा हो जाता है सुंदर लगने लगता है। फिर उदाहरण आता है झपटता हुआ बाज है ना, तो शिकार पर झपटता हुआ बाज, तो दो ऑप्शन कन्फ्यूजन रहते हैं इसमें है ना। तो अब डी आएगा या फिर ए आएगा, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन आ सकते नहीं है। परीक्षा में अगर आपको ऐसी कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो जो नहीं आते हैं प्रश्न वो पहले निकाल दो, जैसे कि जब उड़ता है तब वो तो आएगा ही नहीं, जब दूसरे पक्षी से लड़ता है तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा कोई अच्छा नहीं लगता। जब वह शिकार करता है तब, एक ये ऑप्शन रहता है, और दूसरा जब भी भूख से लड़ने से कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है, झपटता हुआ बाज, ऐसा फिर काव्य में आता है। तो ऑप्शन दो ही रहते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है, क्लिक कर देते हैं। चलो सही उत्तर यही है ना, जब भी भूख से लड़ने के लिए कोई खड़ा हो जाता है तब
है ना। और प्रश्न दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है कि बाज किस तरह से शिकार करता है, तो वो अपने शिकार पर एकदम से झपटता है, झपट के शिकार कर लेता है ना, तब अच्छा लगता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। कवि को कैसा तोता अच्छा लगता है ना, इसमें तोते की भी बात की गई है। और तोता 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 तोता, हाँ वो पहेली और मुकरिया में भी आता है ना भाई। तो अगर ऐसा तोते वाला प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न हो, सामने उस पाठ का नाम दिया गया होगा क्या ना, इस पाठ में तोता कैसा अच्छा लगता है ऐसा। वरना पहेलियाँ मुकरिया में तोते की क्या विशेषता है, कौन से नाम लिए बिना तोता सोता नहीं है, है ना, तो उसमें उत्तर आता था राम नाम, है ना, वो राम नाम लिए बिना कभी न सोता ऐसा। तो चलो इस काव्य में तोता कैसा अच्छा लगता है, राम नाम बोलता हुआ, डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता हुआ, मिर्च खाता हुआ या उड़ता हुआ, है ना, वो देखना है। तो चलो इतने ही प्रश्न हैं और आपको बस 5 प्रश्न, उससे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो चलो आप इतना काम आज कर लेना, है ना, फरी थी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैंने उत्तर नहीं दिए हैं दूसरे के, लेकिन आप उत्तर देना, 5 ही प्रश्न थे लेकिन दूसरे भी बन सकते हैं, आप लिखना, ठीक है। तो चलो मित्रों, आशा रखता हूँ आप इतना काम कर लोगे, है ना, हो जाएगा। चलिए तो रखता हूँ।